नमस्कार, वेलकम बैक अनदर वीडियो बाय मी डॉक्टर राहुल मनचंदा। टुडे वी टॉकिंग अबाउट ओवेरियन सिस्ट। व्हाट इज ओवेरियन सिस्ट एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। अब ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? ओवरी है, जिसे हम कहते हैं अंडाशय, जो कि लेडीज़ में होता है और वो यूट्रस के साथ अटैच्ड होता है। ये अंडे प्रोड्यूस करता है या एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एग्स जो हैं अगर ना रप्चर करें तो और बड़े बन जाते हैं और सिस्ट फॉर्म करते हैं। सिस्ट क्या होता है? जैसे गुब्बारे में पानी भर जाता है, उसको गोल सा हो जाता है, वैसे ही अंडे में एक जगह में सिस्ट फॉर्म हो सकता है। अगर एनक्लोज्ड एरिया में पानी की तरह कुछ भर जाता है तो उसको हम सिस्ट कहते हैं। अब उस सिस्ट में पानी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, कुछ और मटेरियल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्ट इट इज। बहुत सारे सिस्ट होते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर में लेडीज में ये सिस्ट फॉर्म होते हैं इन अ साइकिल और जनरली बाय द नेक्स्ट साइकिल दे रिजॉल्व। सो नॉट ऑल सिस्ट्स आर प्रॉब्लमैटिक और नीड टू बी ट्रीटेड। इनडीड बहुत कम ऐसे सिस्ट होते हैं जिनको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर उनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये सिम्टम्स क्या क्रिएट करते हैं? सिस्ट जो होते हैं, हो गए, चलो सिस्ट हो गए, अब क्या है, क्यों हमें प्रॉब्लम देते? क्योंकि ये सिस्ट जो है, सबसे बड़ी बात जो है, इररेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक, आपने सुना होगा, हमारे और वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इररेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। अगर ये सिस्ट बड़े हो जाते हैं और ट्विस्ट हो जाता है तो जिस स्टॉक से ये अटैच्ड होते हैं यूट्रस से, जिससे इनकी ब्लड सप्लाई जा रही है, वो ट्विस्ट हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो वो ओवरी को नष्ट कर सकता है। इसको कहते हैं हम टॉर्शन ऑफ सिस्ट, जो कि इमरजेंसी हो जाता है। अगर ये जो है सिस्ट और बड़े हो जाते हैं तो ये यूट्रस के आगे पड़े हुए ब्लैडर पे प्रेस कर सकते हैं, ये जो है पीछे इंटेस्टाइन पे प्रेस कर सकते हैं और उनके हमारे कॉन्स्टिपेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या पेन ड्यूरिंग पासिंग ऑफ स्टूल्स एंड यूरिन हो सकता है। ये और इसके लक्षण हैं। अगर ये जो है इतने ह्यूज हो जाते हैं तो बाकी ऑर्गन्स पे और डायफ्राम पे सांस लेने की जगह प्रेस होता है तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी बात, ये कैंसर भी हो सकती है, खासकर जो है ये एल्डरली पॉपुलेशन में अगर होते हैं तो हमें कैंसर का डर रहता है और वो हमें अर्ली डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि पेट में इतनी जगह है कि सिस्ट जब तक बड़ा होता है और सिम्टम्स कॉज करता है कैंसर, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट फेयर टाइप ऑफ सिस्ट होते हैं। लास्टली एक सिस्ट है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस के हमारे और वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। ये डायग्नोज करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको भी हम जल्दी डायग्नोज करते हैं तो हम इसको जल्दी से पकड़ सकते हैं। तो अगर ओवरी में सिस्ट हो, रिमेंबर करें, सारे सिस्ट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सारे सिस्ट से हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, मगर सिस्ट को डायग्नोज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करेंगे, जिसको देखते हुए वो डायग्नोज बनाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेंगे। इसको लाइटली मत लीजिए, मगर ज़रूर घबराइएगा नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना ठीक डायग्नोसिस बना के इसका इलाज कराइए। इलाज के बारे में हम फिर किसी वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।